स्वागत है सबको मिस्टर टिकी 2.0 चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम एप्पल की डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास आता है एप्पल की फ्रूट। तो यही प्रॉब्लम हमें बहुत बार फेस करना पड़ता है, लाइफ बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है और हम उल्लू बनते हैं। और कर भी कह सकते हैं, हमारे पास इतना सा दिमाग है, भगवान ने बहुत ही मेहनत करके बना कर दी है, और इतना सा दिमाग के अंदर हम कितना ज़्यादा सोचें कि कितना हम और सोचें, तो बेसिकली टेंशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब बातें साइड में रखते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि आखिर किस तरह की स्कैम आपको फेस करना पड़ सकता है अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर के अंदर, यानी कि आप अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर ही लोगे या फिर आपने ऑलरेडी फेस कर चुके हो। तो बेसिकली आपको किस तरह से इन सारे फ्रॉड या फिर स्कैम से बचना है, इसके ऊपर डिटेल में इसमें बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड यस गाइस, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, किसी भी सामान को ऑनलाइन से खरीदने से पहले कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर आपको केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि आपको तो पता ही है, क्योंकि स्कैम होता है, यानी कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, गलत सामान आ जाता है या फिर ठीक से सामान नहीं आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ आपको फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर वन इशू जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो है कि प्रोडक्ट ना आना, यानी कि अराइविंग इशू। आपने एक प्रोडक्ट को परचेस कर ली है, यानी कि बाई कर ली है, और वो 3 दिन के अंदर आने वाला है, लेकिन 3 दिन के बाद भी या फिर 10 दिन के बाद भी वो प्रोडक्ट नहीं आया है या फिर प्रोडक्ट आपके पास आएगा ही नहीं, तो इस तरह की इशू आपको फेस करना पड़ सकता है या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी फेस कर ली है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी तो आपने तो पैसा दे दी है, यानी कि ऑनलाइन से आप लोगों ने पैसा दे दी है, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, वो है प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करना, यानी कि आपके प्रोडक्ट अभी कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी एक फोन को ऑर्डर दी है, यानी कि परचेस कर ली है, और वो फोन 3 दिन के बाद आने वाला है, मेरे पास आने वाला है। तो बेसिकली मुझे अब क्या करना होगा, मुझे ट्रैक करना होगा, यानी कि कुछ टाइम के बाद बाद मुझे ट्रैक करना होगा कि वो फोन अभी कहाँ पर है। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट है ना, उससे आप अप टू डेट रहोगे, यानी कि प्रोडक्ट अभी कहाँ पर है, तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप श्योर रहो कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो अभी यहाँ पर है, ताकि नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगर फोन ना भी आए तब भी आपके पास प्रूफ हो कि नहीं, मैंने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर दी है और वो यहाँ तक आया है लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया है। तो इससे आप एक रिपोर्ट जारी कर सकते हो, यानी कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट में आप रिपोर्ट मतलब एक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग शायद समझ चुके हो कि आखिर इस तरह की प्रॉब्लम में आपको किस तरह की स्टेप उठाना चाहिए। रूल नंबर 2, यूज पे ऑन डिलीवरी फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए गाइस, जिस भी प्रोडक्ट को आप पे ऑन डिलीवरी के मेथड से खरीद सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप कोशिश करो पे ऑन डिलीवरी में खरीदने की। इसका मतलब क्या है कि जब डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, मतलब इसका मतलब मैं आपको क्या समझाऊं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ। जब डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आएगा, तब उसके हाथ में आप डायरेक्ट यानी कि सीधा पैसा दे दोगे, तो इसको हम कहते हैं पे ऑन डिलीवरी मेथड। तो कोशिश करो ज़्यादातर प्रोडक्ट को आप इस तरीके से खरीदने की, इससे क्या होगा, जो नंबर वन इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि उसके टेंशन आपको नहीं करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आएगा या फिर नहीं, मुझे ट्रैक करना पड़ सकता है, मतलब इतना सारा झंझट आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि पे ऑन डिलीवरी, यानी कि जो पे ऑन डिलीवरी मेथड है ना, उसको यूज करने की। रूल नंबर 3, जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आए, यानी कि डिलीवरी बॉय ने आपको प्रोडक्ट दे दी है, तब आपको क्या करना है, तब आपको डिलीवरी बॉय को कहना है कि भाई रुको जरा, मैं थोड़ा सा इस जो प्रोडक्ट है इसकी मैं अनबॉक्स करता हूं, यानी कि डिलीवरी बॉय के सामने ही उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करना है, ताकि डिलीवरी बॉय देखे कि प्रोडक्ट गलत आया है या फिर सही, ताकि आप सेफ रहो, ठीक है ना। और अगर ये आप नहीं कर सकते हो, मान लीजिए कि डिलीवरी बॉय चला जाता है आपके कहने से पहले ही, तो इसमें आप प्रोडक्ट को घर लाकर एक अनबॉक्सिंग की वीडियो करो, ताकि आपके पास एक प्रूफ आ जाए कि नहीं मेरे पास गलत प्रोडक्ट आया है या फिर सही प्रोडक्ट। तो ये जो 3 रूल है ना, अगर आप ये तीनों ही रूल को फॉलो करते हो या फिर आप केयरफुल रहते हो, तो आपके हाथ में कोई भी फ्रॉड नहीं लगेगा, यानी कि फ्रॉड या फिर स्कैम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। गाइस, सिर्फ बायर्स के साथ ही स्कैम या फिर फ्रॉड नहीं होता है, जो सेलर्स होता है ना उनके साथ भी फ्रॉड या फिर स्कैम होता है। हम हैं बायर्स, यानी कि हम हैं कस्टमर्स, और जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, यानी कि जिससे हम खरीद रहे हैं वो है सेलर, तो उनके साथ भी फ्रॉड या फिर स्कैम होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि किस तरह की फ्रॉड या फिर स्कैम इन लोगों के साथ होता है, यानी कि सेलर्स के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आखिर किस तरह की
फ्रॉड या फिर स्कैम चलता है ऑनलाइन की दुनिया में, जब भी हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या फिर जो सेलर से उनके साथ भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, यस लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर दबा देना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।